नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चमन। फर्जी ट्रेंडिंग कंपनी बनाकर करोड़ों का फर्जीवाड़ा। नवी मुंबई के एंटी अमेज़न डिपार्टमेंट में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी ट्रेंडिंग कंपनियों के नाम पर सालों से करोड़ों रुपए की चोरी किया करते थे। फर्जीवाड़े का कारोबार करने वाले कोई और नहीं बल्कि बाप और बेटे हैं। आपको बता दें कि बाप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बेटा इस फर्जी कामों में पिता का साथ देता था। नवी मुंबई जीएसटी कमिश्नर को जांच में पता चला कि 3,000 करोड़ के फर्जी इनवॉइस से 8 से 10 कंपनी बनाकर इनपुट टैक्स चोरी किया गया। फर्जी कंपनी का नाम मिस जर्मेनिया ट्रेंडिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर कंपनीज है। जांच में पता चला है कि ये कंपनी जिस पते पर रजिस्टर्ड हैं वो भी फर्जी है। फिलहाल फर्जी कंपनी चलाने वाले पिता और पुत्र अब सलाखों के पीछे हैं। ये कंपनी में पिता पुत्र डुओ जो कि दोनों पेशे से सीए हैं, उन्होंने 541 करोड़ का इनपुट गलत पास ऑन किया है और लगभग 3,000 करोड़ की वैल्यू के फेक इनवॉइसेस क्रिएट किए हैं। दोनों को बाप बेटे को गिरफ्तार किया गया। टोटल कितने की चोरी है ये पकड़ी है जो इन्वेस्ट 41 करोड़ की अभी फिलहाल पाई गई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जोन है और अभी शायद उनका और बड़ा सर्कल हमें मिलेगा। मैम, और भी इसमें और भी कंपनियां शामिल हो सकती हैं अगर जांच में अगर किया जाए तो ऐसा कुछ? जी, मिनिमम अभी तक 8 कंपनियां पाई गई हैं, लेकिन इसके और बढ़ने की संभावना पूरी है। मैम, इससे पहले भी गिरफ्तारी हुई है ऐसी कंपनियों के ऊपर जैसे कोई? बिल्कुल, जनवरी 18 से गिरफ्तारियां हो रही हैं जीएसटी में। बेलापुर में पहले 3 और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन इस तरह का इस वॉल्यूम का केस ये पहला है। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।